तैयार करने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो बोर्ड हर हाल में 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का भी काम शुरू होगा। बिहार बोर्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी परीक्षार्थियों का भी इंतजार अब खत्म होने वाला है। और देख सकते हैं कि जो रिजल्ट की तैयारी है किस तरह से चल रही है। शाम का समय है और शाम में भी, यानी कहा जा रहा है कि 24/7 जो है यहाँ पर जो कर्मी है वो काम में जुटे हुए हैं। जरा आपको हम दिखा दें कि देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो बोर्ड के कर्मी हैं वो अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं और जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल से ही योजना तैयार की गई है कि रिजल्ट की तैयारी जो है यहाँ पर तेजी से की जाएगी और होली से पहले जो परीक्षार्थी हैं उनको जश्न मनाने का मौका दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि पिछला रिकॉर्ड जो 26 मार्च का था उसको तोड़ने की तैयारी में बोर्ड जुट गया है और सचिव से लेकर जो भी अधिकारी हैं फिलहाल IT सेल के तमाम लोग अभी अंदर मौजूद हैं। तो 16,48,000 जो परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है और निश्चित रूप से 2016 के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग करता है और इस बार भी जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। जो टॉपर्स वेरिफिकेशन काम है वो भी कल से शुरू हो जाएगा, ये खबर आ रही है। जो टॉपर्स हैं वो फिजिकली बिहार बोर्ड आएंगे और एक्सपर्ट जो है उनका साक्षात्कार लेंगे, उसके बाद 17 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाएगा।